हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जून मंथ की। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर के आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है और क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या फेस करेंगे आप और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ के लिए। ठीक है, तो ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा इसका रेजोनेट करे, तो उस तरह से आप रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे, प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जून मंथ की एनर्जीज क्या रहने वाली है, थीम क्या रहेगी लिब्रास के लिए जून मंथ की। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी फैमिली, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस, डिसीट, अटैचमेंट। माय डियर लिब्रा, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। जिस तरह के ये कार्ड कॉम्बिनेशंस आए हैं, यहाँ पर ये साफ मैसेज मिल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके आसपास है जो टू फेसेस में है, राइट? मतलब वो आपके सामने कुछ और है और आपकी पीठ पीछे वो कुछ और है, और ऐसे किसी पर्सन के साथ आप बहुत ही अनहेल्दी वे में अटैच्ड हो, और अब ये वक्त आ गया है कि उसकी सच्चाई रिविल होने का, उसका जो झूठा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मुखौटा है, वो उतरने का वक्त आ गया है और आपके सामने वो सच्चाई सामने आएगी। अब ये पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो यस, किसी का पर्दाफाश यहाँ पर होने वाला है जून के महीने में, ओके? और बिल्कुल ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो, ये कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी इंसान है जो आपके साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन पीछे ही आपसे बहुत ही खतरनाक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि जेलस बहुत ज़्यादा है, मे बी आपके फाइनेंसेस से, या जिस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप खड़े रहते हो अपनी सिचुएशन में, कोई है जिसकी सच्चाई, जिसकी चाल कोई हो सकती है, या उसकी खुद की सच्चाई, बेसिकली वो पर्दाफाश यहाँ पर हो रहा है, वो खुल करके या तो सामने आएगा या उसकी सच्चाई आपके सामने बेसिकली यहाँ पर आने वाली है। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। लेट्स सी, मैं थोड़ा और यहाँ पर और हम रीडिंग में टैप इन करते हैं, तब पता चलेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने ना आपके पाथ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ लाई है, समझ रहे हुआ? मतलब आपके रास्ते में ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं इस पर्सन ने पास्ट में। अभी कुछ लोगों के लिए ये यहाँ पर मुझे उनका स्पिरिचुअल पथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे थे और ये पर्सन ने बहुत कोशिश की है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, आपकी लाइफ में बेसिकली मुश्किलें लाने की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको दिल से आप शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई रियली डोंट नो। हालांकि मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ बहुत ही जल्दी, बट ये मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, ये मुझे फुल मून की एनर्जीज मिल रही है कि फुल मून पर
हालांकि आज ये मैं रीडिंग कर रही हूँ तो कल फुल मून है, ओके? कोई रिवील होगा, किसी का फेस, ट्रू फेस रिवील होगा फुल मून पर। वो एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। अभी वो हो सकता है आपके लिए, चाहे अगर आप अभी देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट डे की एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि वैसे मैं ये जून मंथ की कर रही हूँ तो ये जून में मुझे वो एनर्जीज मिल रही है फुल मून के अराउंड। एट ऑफ चैलिस, आई मीन एट ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। ये मुझे कोई ऐसा अनहेल्दी पर्सन लग रहा है, आई रियली डोंट नो। मुझे इस बिल्कुल भी अच्छी पिक नहीं नज़र आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान मुझे आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है जिसने हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं आपको नीचे गिराने में। अभी वो कोई सा भी तरीका हो सकता है, कोई सा भी हथकंडा हो सकता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक करना, ठीक है? ये कोई भी चीज़ हो सकती है गाइस, क्योंकि इसकी नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं है इस इंसान की। यहाँ पर है द स्टैंडिंग स्टोन, जो कि है जस्टिस का कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। फूल, द ग्रीन मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स। चैलेंज क्या रह सकता है लिब्रास के लिए? नेचर, जो कि है डेविल की एनर्जीज। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। माई डियर लिब्रास, यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जून मंथ की, आपकी अगर बात की जाए, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स और एट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहा है कि आप ये मंथ में ऐसे अनहेल्दी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं बेसिकली, जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके अपनों के लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मंथ में आप लोगों की इंट्यूशन पावर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपकी जिसे कहते हैं साइकिक पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आप चीज़ों को बहुत ही गहराई से सेंस कर पा रहे हो। आपको लोगों की एनर्जीज यहाँ पर सेंस हो रही है, जिसे कहते हैं ना कि भाप जाना, ठीक है? कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, तो उस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो। और जो मतलब ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आपके परिवार को यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे लोगों से आप ये मंथ जो है डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हो। आप इस ऊर्जा में यहाँ पर बने हुए हो। आप सिर्फ अपनी फैमिली पर फोकस करोगे, और जो भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, करना चाह रहे हो, जो भी आपकी ग्रोथ, आप जिस तरफ आप चाहते हो, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो करियर पाथ है आपका, चाहे स्पिरिचुअलिटी है, उस पर आप बेसिकली फोकस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो पूरी तरीके से। और ऐसे अनहेल्दी रिश्ते
ठीक है, चाहे वो कोई भी है जिस जो आपको लग रहा है ना, जिन्हें आप भाप पा रहे हो कि हाँ ये मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छे नहीं है, जो हम लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, अभी वो ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाते हुए ये मंथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। रिश्तों की अगर बात की जाए, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है चाहे अदर रिश्ते हैं, तो स्टैंडिंग स्टोन की एनर्जीज, पहली बात तो आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि माय डियर लिब्रास, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके हाईएस्ट या हाईएस्ट गुड के लिए हैं, या फिर मैं कहूँगी जिनके साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है, अभी वो आपका प्यार का रिश्ता हो सकता है या फिर वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, कहने का मतलब आपकी लव लाइफ हो सकती है या फिर वो दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं, जैसे माता पिता के साथ होता है, सिबलिंग्स के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि आप और आपका परिवार यहाँ पे सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर सुरक्षित एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, और लिटरली उन्होंने जैसे कि वो आपको और आपके जो रिश्ते हैं ना, जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर लिटरली कोई है जो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में कुछ ना कुछ चालें करना, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कि प्लॉटिंग, प्लानिंग करना, जाल बुनना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर आप देखेंगे ये एक सुरक्षा घेरा है, राइट, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये स्पाइडर है, ठीक है, इसने जाल बुना हुआ है, ओके तो कहने का मतलब कोई उस सुरक्षा, जैसे कहते हैं ना कि जाल बुनना, चाले चलना, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करना कि किसी तरीके से सुरक्षा कवच को तोड़ देना, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ ना, मुझे किसी के बहुत ही ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि कोई किसी तरह की क्रिया कर रहा है, लाइक ऐसी एनर्जीज, अभी कोई भी वे हो सकता है, ठीक है, तो वो भेदने की कोशिश कर रहा है, बट डोंट वरी, ये जस्टिस की एनर्जीज है ये मंथ में ना भाई, जो जैसा करने वाला है ना उसको उल्टा वैसा मिलने वाला है। मैंने आपको बोला ना कि कुछ है यहाँ पे रिविल होगा, ये खासकर रिश्ते, डेफिनेटली कोई पर्सन है, रिश्तों की बात हो रही है, वो फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, रिश्ते में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कहने का मतलब उसका जैसे उसकी पोल खुल रही है यहाँ पर पूरी तरीके से, सबके सामने आ जाना कि हाँ ये था या ये थी, तो ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं या फिर आपकी पूरी टीम यहाँ पर हो सकती है, वो आपको पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रांग वे में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको उन्होंने जैसे कि आपको ना लाइट में, मतलब आपको आपके रिश्तों को यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिटरली टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जैसे कि कोई नज़र लगा रहा है लेकिन वो आपको उस नज़र से बचा रहे हैं, ठीक है, कोई आपके रिश्तों को ख़राब करना चाहता है या स्पेसिफिकली कोई रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो जो एंसेस्टर्स हैं आपके, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको और आपके रिश्ते को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाने देंगे ये मंथ में, ठीक है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोगों का कर्मा उनको बैक होगा, ठीक है, ऐसे लोगों का कर्मा जो बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, इनका कर्मा इन्हें बैक होने वाला है ये मंथ में, लेकिन आप लोगों के रिश्ते जो है और मजबूत होंगे और गहरे होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से डिटैच हो जाओगे आप ये मंथ में जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों से पर्दाफाश हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, पर आप लोग भी जैसे आप में से ना कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज है गाइस कि इस पर्सन से, स्पेसिफिकली इस पर्सन से आप बहुत नेगेटिवली अटैच्ड हो, नेगेटिवली अटैच्ड हो, अब रियली डोंट नो ये क्या है या कौन है, ये आपको आपको पता होगा या फिर नहीं भी, अगर आप जो मतलब सोच पा रहे हो, नहीं भी समझ पा रहे हो, तो वो आने वाले समय में आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर करियर की बात करें तो ग्रीन मैन की एनर्जीज है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, नई सिरे से, जैसे ये ना नई नई ऊर्जा की एनर्जीज मुझे मिल रही है, कुछ आप दोबारा से जिसे कहते हैं कि
नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ कुछ शुरू कर रहे हो। भले ही ये कोई पुरानी चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन एनर्जीज बहुत नई है यहाँ पर। जैसे नए सिरे से कुछ नया स्टार्ट करना, मुझे खासकर कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो तो इस इंसान ने एक वॉन्ड पकड़ी हुई है, राइट। तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डेवलप हो रहा है, कुछ क्रिएटिव साइड जैसे आपकी ओपन हो रही है, कुछ अलग हट करके आप करना चाह रहे हो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हो सकता है आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ो, या फिर अगर आप कहीं ऑलरेडी कहीं कोई काम कर रहे हो, किसी जॉब में हो, कोई प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है, तो मतलब ये वो एनर्जीज है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का यहाँ पर मौका मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। ये मंथ आप जितने अपने क्रिएटिव साइड को दिखाओगे, जितना आप कुछ अलग हट करके करोगे, उतनी ही ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। पुरानी चीज़ों से जो आप अटैच्ड हो, पुराने थॉट्स, पुराने तरीके अपनाना, पुराने तरीके से चीज़ों को करना, उन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकले। कुछ यूनिक आइडियाज़ आपको यहाँ पर आ रहे हैं, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात तो उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, देन उसको अप्लाई कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये इस वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द ग्रीन मैन, ओके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों की हेल्थ यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। आप अपना भी पूरा ख्याल रख रहे हो ये मंथ में, और अपनों का भी पूरा ध्यान रख रहे हो ये मंथ में। आप देखेंगे कि आपका ना नेचर के साथ, या तो आप ऑलरेडी नेचर लवर हो सकते हो, बट ये मंथ में ना आपका नेचर के साथ कनेक्शन और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये मंथ में ना आपके जो बर्ड स्पिरिट है वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो एनीवेज हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो ये मंथ में आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, नेचर से आप कनेक्टेड रहेंगे। जब जब कभी आपको ऐसा लगे ना, वैसे तो आप पॉजिटिव ही रहोगे, लेकिन जब जब आपको ऐसा लगे कि आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, या कुछ लो एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज आप पर हावी हो रही हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट हुई है इस वक्त में, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है, आपने मन में इस तरह की भ्रांति नहीं लानी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मुझे कुछ मेडिकल इश्यू तो नहीं है, राइट। उस समय आप नेचर से कनेक्ट हुई है। देखिए यहाँ पर मैं किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट नहीं बता रही हूँ आपको, डेफिनेटली एक जर्नल रीडिंग है। अगर कुछ ऐसा आपको लगता है तो आप अपना चेकअप करा सकते हैं, बट ये जो मैसेज यहाँ पर रिसीव हो रहा है ना, ये जस्ट एक ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ का बहुत भार ले रहे हो, कोई इमोशनल बैगेज आप कैरी करके चल रहे हो, उस वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर हैवी आपको लग सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इस वक्त में ना आप जितना अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे, अपने साथ पॉजिटिव वार्तालाप करोगे, अपने साथ पॉजिटिव बातचीत करोगे, उतने ही आप अपने एटीट्यूड को, अपनी एनर्जीज को आप पॉजिटिव देखोगे, हाई वाइब्रेशन में आते हुए अपने आप को देखोगे, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब स्पिरिचुअलिटी में यहां पर बात कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी कम्युनिटी को या तो आप ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप जिसे कहते हैं ना अपने ट्रू सॉलमेट कनेक्शन को यहाँ पर उनके साथ कनेक्ट होने वाले हो। अच्छा, ये जो कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ ना, एक स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रही हूँ। अभी स्पेसिफिकली कोई पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं आपके, या फिर ये जो कनेक्शन है ना, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में आया है आपके, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है। स्पेसिफिकली ये पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। आपके आपके सॉलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम मिल रहे हैं इस ये मंथ में, और या फिर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ ही डील कर रहे हो, ठीक है, वो आभास हो जाना। दूसरा, ये डिवाइन के साथ कनेक्शन की बात कर रहा है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रहा है। ये बहुत ही प्यारी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लिटरली यहाँ पर मैं कुछ लिब्रास के लिए ना मैरिज देख रही हूँ। आप लोगों का मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैरिज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो मैरिज होती हुई भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ लिब्रास की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चैलेंज क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है माय डियर आपका, ये नेचर की एनर्जीज है। नेचर मतलब ये डेविल कार्ड की एनर्जीज है। तो आपको एक बात, एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है लिब्रास कि आप बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो, बिल्कुल सही राह पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इस समय अपनी एनर्जीज को ना भटकने मत दीजिएगा, ठीक है। ये एनर्जीज है कि कुछ है, अभी देखिए, अभी ये कोई ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो कोई कुछ आप पे कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा आपके अंदर किसी चीज़ का लालच हो सकता है, कोई ग्रीड आ सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली अपने पाथ से भटकना नहीं है। ऐसी ऊर्जा ये मंथ में आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं ये मंथ में ना आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ, फाइनेंशियली ग्रो होते हुए आपको देख रही हूँ। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहोगे ये मंथ में। तो ऐसे ऑप्शंस, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगी जो आपको आपके पाथ से डिस्ट्रैक्ट करें। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर बहुत ही क्लियर दिया जा रहा है कि कोई भी काम, किसी भी तरह के शॉर्टकट को आपने नहीं अपनाना है, कोई भी गलत काम को नहीं, उसके लिए एग्री नहीं करना है। ऑनेस्ट और प्योरिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। कोई आपको कितना भी लालच दे दे, किसी की बातों में आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की ऑलरेडी एनर्जीज है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं मुझे एक अनहेल्दी अटैचमेंट की भी बात कर रहा है। ये आपके लिए ये मंथ में थोड़ा चैलेंज होने वाला है लिब्रास, किसी अनहेल्दी अटैचमेंट से डिटैच होना। यहाँ आप देख रहे हो, किसी अनहेल्दी अटैचमेंट से डिटैच होना, ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अभी ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये आपका खुद का ही कोई थॉट हो सकता है, आपकी खुद की ही कोई सोच हो सकती है, ठीक है। जिसके साथ, जिसे कहते हैं ना कि हम लेक मेंटेलिटी, मतलब एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपके कोई किसी चीज़ से आप बहुत ही अनहेल्दी वे में बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है उस ऊर्जा ने आपको, तो उससे बाहर निकलना बेसिकली ये मंथ थोड़ा ना चैलेंज रहेगा आपके लिए, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस की। तो यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही बताती है माय डियर डिवाइन, आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये मंथ में ना अपनी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी खुशी को ना सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो। ज़िंदगी के में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त आता जाता रहता है, ये सब चलता रहता है, ये लाइफ का एक साइकिल है, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। पर इस सिचुएशन में आकर के आपको अपने जीवन में जो घटित हो रहा है, जो अच्छी चीज़ें आज आ रही हैं आपके जीवन में, उनको सेलिब्रेट करना नहीं भूलना। जैसे हम लोग कोई बुरी चीज़ हमारे जीवन में हो जाए, हम उसको लेकर के पकड़ लेते हैं ना कि हमारे जीवन में तो ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन में जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे पल भी हैं ना, उनको भी इंजॉय करो। अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, अपने साथ वक्त, आपको ना यहाँ पर किसी होड़ में नहीं रहना है ये मंथ में कि मैं ये कर लूँ। आप करो, अपना काम भी करो, पर अपने परिवार को, अपनी फैमिली को आपको ना इग्नोर नहीं करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। खासकर यहाँ पर आपको ऐसे मौके भी मिलेंगे जिनको आप सेलिब्रेट करें, ठीक है। अभी वो आपका थॉट पैटर्न हो सकता है कि आप उसे कोई अचीवमेंट बड़ी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हर उस छोटे 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 बड़े पलों को जो है ना, आपको अपने परिवार के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना है। डिवाइन को थैंक यू बोलना है बेसिकली, ठीक है। खुश रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। लेट्स सी मूनोलॉजी की तरफ से आपके लिए जून मंथ के लिए क्या मैसेज है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। डेफिनेटली अगर कोई आपका पर्सनल मैटर, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी या कुछ इश्यूज चल रहे थे किसी रिश्ते में खास करके, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए ये मंथ में नज़र आ रहे हैं, ओके। कम्युनिकेशन, अगर कोई किसी चीज़ का लैक ऑफ कम्युनिकेशन था तो वो यहाँ पर होगा। अगर आप किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, या फिर जिसे कहते हैं कि सही से बातचीत नहीं हो पा रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी,
किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको डिसीट की एनर्जीज यहाँ पर बताई है, क्योंकि उसका पर्दाफाश हो रहा है यहाँ पर, तो वो क्लैरिटी आते हुए भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि वो क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर होगा एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। भैया आप जो भी पाना चाह रहे हो ना लिब्राज, आपको डिवाइन यहाँ पर ये कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि आप उस गोल को पाने के, अचीव करने के ना बिल्कुल पास में हो। तो इस समय अपने आप को डाउन नहीं करना है, अपनी एनर्जीज को किसी भी लेवल पर डाउन नहीं करना है, किसी की वजह से आपको डाउन नहीं करना है, अपने उस हाई वाइब्रेशन को जो है ना बनाए रखिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली लक आपके साथ है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है लिब्रास। यहाँ पर है हमबैक वेव, म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेलबींग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। तो आपके लिए ये मंथ जो है ना सिंगिंग म्यूजिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिकली आपको हील करेगा, खास करके आपकी इमोशनल हीलिंग। ठीक है, ये जिस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है ना, जिस तरह के लोग आपके आसपास है, उन लोगों से पूरी तरीके से डिटैच हो पाना, उनको रिलीज़ कर पाना, आपके लिए यहाँ पर इमोशनल हीलिंग है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने जितना हो सके आप म्यूज़िक से कनेक्ट हों। ठीक है, अभी भले ही वो कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे आप गाना गाते हो, ठीक है, आपको गाना अच्छा लगता हो, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है कि नहीं अच्छी है, आपको अच्छा लगना है गाइए, वो आपकी हीलिंग का ही काम करेगा, वो बेसिकली वो प्रोसेस होगा। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको बजाना आता है, ठीक है, तो वो भी एक प्रोसेस रहेगा, या फिर म्यूज़िक को सुनना। ठीक है, यहाँ पर बिना लिरिक्स के ना म्यूज़िक सुनने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी और क्या इस मंथ के लिए डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है लिब्रास को डिवाइन प्लीज़ बताएं, फोकस किस पर करने की ज़रूरत है ये मंथ में। ओके, ये दो कार्ड जाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पर आप फोकस कीजिए, अपने दिल की आवाज़ पर फोकस कीजिए, आपको ये मंथ में बोला जा रहा है। जितना आप, मैंने आपको आई थिंक पहले ही ये मैसेज दे दिया था, जितना आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। और जितना आप अपने दिल की आवाज़ को यहाँ पर सुनोगे, उतनी ही ज़िंदगी में आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंस, डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट लग रही है। अभी ये रिश्ते के लिहाज से हो सकता है, करियर के लिहाज से भी, बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ पर हो सकती है। इवन मुझे ये ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ या तो ऑलरेडी आप डील कर रहे हो, या फिर आप ये मंथ में मिलने वाले हो। 3-3 की एनर्जीज यहाँ पर। ओके, होप, तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि ये मंथ आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो हो चुका है, उससे नेगेटिव मत होइए। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उनसे भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कायम रखिए, यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली सूर्य से आपको ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो सूर्य नमस्कार करना, सूर्य की ऊर्जा लेना, सूर्य को जल अर्पित करना, अगर सूर्य देव का कोई आप स्पेसिफिक मंत्र चैंट कर सकते हो या ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कर भी सकते हो। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हारमनी का कार्ड, डेफिनेटली रिश्ते में गहराई होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, गहराई यहाँ पर आ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है रिश्ता आपका। यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली था ना, तो आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्यूटीफुल। लास्ट देख लेते हैं और क्या मैसेज है स्पेसिफिकली लिब्रास के लिए डिवाइन की तरफ से जून मंथ के लिए। ओके, पोषण, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर,
सेल्फ टॉक, अपने साथ किस तरह की आप बातचीत करते हो, बेसिकली पॉजिटिव टॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। कुछ रिचुअल्स भी आप परफॉर्म कर सकते हो, जिसे कहते हैं कि सेल्फ लव के लिए कुछ रिचुअल्स होते हैं। अगर आप इस फील्ड में हो, ओकल्ट में हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आप सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो आप, ठीक है, आपको वो मिल जाएगा, रिचुअल्स ऐसे मिल जाएंगे। तो कुछ रिचुअल्स को आपको बेसिकली परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, डेफिनेटली, ओके। तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।